हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग सिलॉक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में नया निगमन कहते हैं। और सिलॉक्स में आज हम लोग नेगेटिव बेस्ड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो नेगेटिव बेस्ड रहेगा। तो आइए हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए चार ऑप्शंस हैं। पहले में या तो पहला सही हो, दूसरे में या तो दूसरा सही हो, तीसरे में ना तो पहला ना तो दूसरा, और चौथे में पहला और दूसरा दोनों सही हो, ठीक है। तो इसमें कथन है कि कुछ कवि गायक हैं, कोई भी गायक लेखक नहीं है। देखिए, कुछ कवि गायक हैं, ठीक है, और कह रहा है कि कोई भी गायक लेखक नहीं है। तो कोई भी गायक लेखक नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में पूछ रहा है पहला, कुछ कवि लेखक नहीं है, तो कुछ कवि लेखक नहीं है, ये वाला क्वेश्चन देखे आ रहा है इसमें। तो लेखक नहीं है तो मतलब पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है। देखिए, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें बोला रिलेशन इसके और इसके बीच में हो, ठीक है, तो आप इधर से इधर तो बता सकते हो दूसरे के बारे में, लेकिन इधर से इधर नहीं बता सकते हैं दूसरे के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें पहला कथन ये है कि कोई भी आम मेज नहीं है, कोई भी आम मेज नहीं है, और कुछ मेज सेब हैं, कुछ मेज जो हैं वो सेब हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें निष्कर्ष में पहला है कोई भी आम सेब नहीं है। अब देखिए, कोई भी आम सेब नहीं है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन जो है आम और मेज का है, ठीक है। तो इधर से अगर पूछता है तब तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर इधर से पूछ रहा है तो हम इसमें रिलेशन नहीं बता सकते हैं, तो पहला जो हमारा हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ सेब आम नहीं है, कुछ सेब जो है वो आम नहीं है, तो ये वाला पोर्शन पूछ रहा है, तो कुछ सेब जो है वो आम नहीं है, यानी कि दूसरा वाला हमारा सही है, ठीक है। यानी कि हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें दो कथन है, तीन निष्कर्ष है, और इसके चार ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है केवल पहला और दूसरा सही है, दूसरे में है केवल दूसरा और तीसरा सही है, तीसरे में है तीनों निकलते हैं, और चौथे में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला कथन है, इसमें सभी दरवाजे मेज हैं, सभी दरवाजे जो हैं वो मेज हैं, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। तो पहला कह रहा है कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है। अब देखिए, मतलब ये इधर से इधर जाने की बात कर रहा है। तो देखिए, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि हम इधर से इधर जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये M के अंदर आता है D, ठीक। तो और कह रहा है कि M जो है पूरा वो K नहीं है, तो अगर पूरा M K नहीं है और D उसके अंदर आता है, तो यानी कि पूरा D जो है वो भी K नहीं है। और निष्कर्ष भी यही पूछ रहा है कि कोई भी दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो कोई दरवाजा कुर्सी नहीं है, तो ये हमारा पहला सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है। देखिए, स्टेटमेंट में कह रखा है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो यानी कि कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो देखिए, मेज के अंदर दरवाजा है, ठीक है। तो दूसरा है कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, तो कोई भी कुर्सी दरवाजा नहीं है, ये हमारा दूसरा सही है, ठीक है। तीसरा है कुछ मेज दरवाजे हैं, देखिए कुछ मेज दरवाजे हैं, तो मेज के अंदर ही दरवाजा है, तो कुछ तो सही होगा ही, तो तीसरा भी हमारा सही है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा सी निकलता है इसमें, तीनों निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चौथे क्वेश्चन में पहला कथन है हमारा, कोई भी कार पेन नहीं है, ठीक है, कोई भी कार पेन नहीं है। अब देखिए, कोई भी कार पेन नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पेन कार नहीं है, ठीक है। दूसरा
दूसरा कथन है हमारा, कुछ पेन ट्रक है, कुछ पेन जो है वो ट्रक है। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष करते हैं। पहला है हमारा, कोई भी कार ट्रक नहीं है, कोई भी कार ट्रक नहीं है। देखिए कभी भी हम इधर से इधर रिलेशन नहीं बता सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, इधर से इधर रिलेशन पूछेगा तो हम बता सकते हैं, तो हमारा जो पहला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, कुछ कार ट्रक नहीं है, कुछ कार ट्रक नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं, इधर से इधर रिलेशन नहीं बता सकते, दूसरा भी गलत हो गया हमारा। तीसरा है, कुछ ट्रक कार नहीं है, कुछ ट्रक कार नहीं है। अब देखिए ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है, ये पोर्शन ये आ रहा है पेन में, और कह रहा है कि कोई भी पेन कार नहीं है, तो यानी कि ये कुछ ट्रक जो है वो कार नहीं है, यानी कि हमारा तीसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ये हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पांचवें क्वेश्चन का पहला कथन है हमारा, सभी रेडियो टेलीफोन है, सभी रेडियो टेलीफोन है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है, कोई भी टेलीफोन टीवी नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है, कोई भी रेडियो टीवी नहीं है। देखिए कोई भी रेडियो टीवी नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, कोई भी टीवी रेडियो नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, कुछ टेलीफोन रेडियो हैं, कुछ टेलीफोन रेडियो हैं, तो हाँ इसके अंदर आता है, बिल्कुल सही है। चौथा है, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, कोई भी टीवी टेलीफोन नहीं है, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सभी निकलते हैं। तो चारों क्वेश्चन को मिला के ये क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोस में भी मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।